दोस्तों आप सभी फिंगरप्रिंट्स और फेस अनलॉक के बारे में तो सुने ही होंगे और यूज भी करते होंगे शायद, लेकिन ये दोनों से हटकर एक ऐसा भी लॉक है जिसे आपको जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा शायद, वो है टंग अनलॉक। जी हाँ दोस्तों, वो है टंग अनलॉक जिसके बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। अगर आप इस टंग अनलॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्मा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। टंग अनलॉक बोलो या टंग आईडी या फिर टंग रिकॉग्निशन, इसका मतलब ये होता है कि हम अपने जीभ से अपने मोबाइल को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और ये सही मायने में ये फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट्स आईडी से बहुत ज़्यादा ही सेफ है। सिक्योरिटी मामले में अगर देखा जाए तो ये टंग जो अनलॉक है, इन दोनों जो लॉकिंग है सिस्टम, उनसे ये ज़्यादा बेहतरीन सिस्टम है। चलिए बात करते हैं कि टंग जो अनलॉक है ये काम कैसे करता है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट जो आईडी जो लॉक काम करता है सेम उसी तरह से ये फेस जैसे अनलॉक काम करता है सेम उसी तरह से ही ये टंग अनलॉक काम करता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो फिंगरप्रिंट है वो एक यूनिक है, सबकी यूनिक होती है। उसी तरह से टंग जो हमारी जीभ है एक यूनिक है, अपने आप में एक यूनिक है। ऐसी आपकी जैसी मेरी जीभ नहीं हो सकती, मेरी टंग आपकी और मेरी सेम नहीं हो सकती। सभी की जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक है, उसी तरह हमारी भी जो टंग है यूनिक है। तो उसकी मदद से ये टंग अनलॉक काम करता है। सबकी टंग की शेप अलग होती है, साइज अलग होती है, और उसे 3D में हम देखें तो सबकी टंग की स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है। तो इसी की मदद से हम टंग अनलॉक को यूज कर सकते हैं। हालांकि अभी किसी फ़ोन में ये टंग अनलॉक आया नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत ही जल्दी ये टंग अनलॉक आने वाला है। और मैंने आपको बताया कि टंग अनलॉक ये फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग सिस्टम और ये फेस अनलॉक से ज़्यादा सेफ है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप सोए हुए हो तो कि कोई भी आपका फिंगर लेकर आपके फ़ोन पर क्लिक करके आपका फ़ोन अनलॉक कर सकता है, या फिर आपकी ये चेहरे की स्कैनिंग करके आपके फ़ोन जो फेस लॉकिंग सिस्टम को भी तोड़ सकता है। और यहाँ जहाँ बात आती है ये टंग अनलॉक की, तो बिना जीभ आपके निकाले हुए कोई अनलॉक कर ही नहीं सकता। और जहाँ बात है ये टंग अनलॉक की, तो जब तक आप अपनी जीभ को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक आपका मोबाइल स्कैन नहीं करेगा आपकी टंग को, तब तक वो अनलॉक होगा नहीं। और इस तरह से आपका मोबाइल सेफ रहेगा, अपने डेटा को आप सेफ रख सकेंगे, प्राइवेट रख सकेंगे। तब देखना है दोस्तों कि टंग अनलॉक मोबाइल में सिस्टम में आ पाता है या नहीं आ पाता है, लेकिन फिलहाल तो अभी किसी मोबाइल में नहीं है। बहुत सारे लॉकिंग सिस्टम जैसे कि ये फेस आईडी लॉक या फिर फिंगरप्रिंट या फिर आयरिस जो स्कैनिंग होता है वो भी है, और बहुत इस सब में यूनिक है टंग अनलॉक, क्योंकि बहुत ही सेफ है। और क्योंकि आपकी ये इंटरनल रहती है, मतलब चेहरे के अंदर रहती है, तो आपका कोई स्कैन नहीं कर पाएगा जल्दी, और आपका डेटा जो सेफ रहेगा, आप अपने मोबाइल को किसी से प्राइवेट रख सकते हो इजीली। और जैसे कि फेस वगैरह है तो क्लिक करके आपकी आई को भी स्कैन कर सकता है, या फिर फेस आईडी को भी अनलॉक कर सकता है, फिंगरप्रिंट्स को भी टच करा के अनलॉक कर सकता है। लेकिन जो टंग वाली कंसेप्ट है, इसमें तो कोई बात ही नहीं बनता कि ये अनलॉक होगा कैसे। पर ये मार्केट में आता है ये टंग अनलॉक वाला सिस्टम, तो हम अपने डेटा को अपनी प्राइवेसी को एकदम प्राइवेट रख सकेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि क्या है ये टंग अनलॉक, फिंगरप्रिंट लॉकिंग और फेस अनलॉकिंग, या आइरिस अनलॉकिंग के अलावा भी एक लॉकिंग सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं टंग अनलॉक। उम्मीद है दोस्तों आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि आज आपके लिए मैं ऐसी रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ।